दिनों तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में डेंगू से अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, आइए जानते हैं कुछ उपाय। सबसे पहले जान लेते हैं डेंगू के लक्षण क्या क्या हैं। ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना जो आंखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, भूख न लगना, जी मितलाना और मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का सा दर्द होना, शरीर खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। अगर मरीज को साधारण डेंगू बुखार है तो उसका इलाज और देखभाल घर पर ही की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय लिए बगैर नहीं, डॉक्टर की सलाह लेकर पैरासीटामोल ले सकते हैं। एस्प्रिन की दवा बिल्कुल न लें, इनसे प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अगर बुखार 102 डिग्री से ज़्यादा है तो मरीज के शरीर पर पानी की पट्टियाँ रखें। सामान्य रूप से खाना देना जारी रखें, बुखार की हालत में शरीर को और ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। मरीज को जितना हो सके उतना आराम करने दें। घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा ना होने दें, गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ करें। अगर पानी जमा होने से रोकना मुमकिन नहीं है तो उसमें पेट्रोल या किरोसिन ऑयल डालें। रूम कूलरों, फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें। पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज पूरी तरह से खाली करें, उन्हें सुखाएं और फिर भरें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसीलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद करके रखें। अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों और दरवाजों पर महीन जाली लगवाकर मच्छरों को घर में आने से रोकें। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, क्वाइल आदि का इस्तेमाल करें। गुगुल के धुएं से मच्छर भगाना अच्छा देसी उपाय है। रात को सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं। ये सब वो उपाय हैं जिससे करके डेंगू से बचाव किया जा सकता है।